केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानून विधेयक को लेकर किसान सभा ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में किसान सभा ने कसुमटी बाजार में प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर प्रदर्शन कर रही किसान सभा के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान सभा के सदस्यों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नए श्रम विधेयक को लाकर मजदूरों के अधिकारों को खत्म कर रही है, जो श्रम कानून मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उनके स्थान पर नए विधेयक को लाने से मजदूरों का शोषण होगा। किसान सभा हिमाचल में शिमला के अध्यक्ष सत्यवान पुंडीर ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लंबे समय से 44 श्रम कानून बनाए गए थे। इन 44 श्रम कानून को समाप्त कर केवल 4 को ही नए श्रम कानून विधेयक में रखना उचित नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाया गया नया श्रम कानून विधेयक मजदूर विरोधी है, जिसमें मजदूरों के अधिकारों की अवहेलना होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये विधेयक वापस ले, अन्यथा मजदूर लामबद्ध होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों पर हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मजदूरों पर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रम कानून को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। श्रम कानून जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। श्रम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। मजदूरों पर करनी होगी, करनी होगी। श्रम कानूनों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों की लामबंदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, नहीं चलेगा। ठेका कर्मी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्स कर्मी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नियमित रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। नियमित रोजगार देना होगा, देना होगा। श्रम कानूनों को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। श्रम कानूनों की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नियमित रोजगार नहीं चलेगा, मजदूरों पे हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैं सत्यवान पुंडीर, जिला अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा शिमला से। आज ये जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, वैसे तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके आह्वान पे जो श्रम कानून पिछले दिनों, ये जो श्रम लेबर कोड बिल जो लाया गया मोदी सरकार के द्वारा, और उसमें 44 श्रम कानून जो थे, जो बड़े ऐतिहासिक समय से, लंबे समय से बने थे, मजदूरों के हकों की सुरक्षा करने के लिए बनाए गए थे, और आज उनके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है सिर्फ 4 कानूनों को जिसमें रखा गया है, तो उसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा के माध्यम से, पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल किसान सभा के माध्यम से ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बात को लेके कि ये जो श्रम कानूनों पे हमला हुआ है, इन कानूनों को जो भी बिल के रूप में लाया गया है, इसे बहाल करना होगा, वापस लेना होगा, नहीं तो ये जो हमारा श्रमिक जमात है, जो लेबर क्लास है हमारी, उन पर बहुत बड़ा हमला है, और उसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारी आते हैं, उसके अंदर हमारे आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सभी तमाम जो स्कीम वर्कर्स भी, मिड डे मील हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये जो आने वाले समय के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हम देख भी रहे हैं कि जैसे इकोनॉमी का स्लो डाउन चला हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी बेरोजगारी जमात बढ़ेगी, और जो मिनिमम राइट्स, जो अधिकार हैं मजदूरों के, उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए आज ये किसानों की एकजुटता दिखाने के लिए ये हमारा पूरा जो एक समर्थन है किसानों का, मजदूरों के साथ, इस संबंध में जो है आज ये पूरे देश के अंदर ये धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं।